बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब जो है वो खैरियत से हैं। सो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 11, आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 12। अब चैप्टर नंबर 12 में, पिछले 11 में हम लोगों ने देखा कि रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स के जो है वो आपस में क्लैश हो जाता है, झगड़ा होता है दोनों का। और क्लैश होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक्चुअल में मीडियोकर थे, उनकी जो टीचिंग वे था वो भी पुराना था, फरसूदा था, पिछला था। सो रॉल्सन जो है वो उन्हें ये मशवरा देते हैं कि आप जो है वो यहाँ से चले जाएं, रिटायर्ड हो जाएं। सो इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि व्हेन एंड व्हाई रॉल्सन लीव ब्रुकफील्ड स्कूल। तो कब और क्यों मिस्टर रॉल्सन जो है वो जो हेड मास्टर था वहाँ पर ब्रुकफील्ड स्कूल में क्यों छोड़ के चला गया। सो उसमें रीज़न यही थी। पहली रीज़न तो ये थी कि जो झगड़ा था दोनों का, मिस्टर चिप्स का और उसका, वो हम लोगों ने डिस्कस करना है। सो लेकिन जो मेन पॉइंट है वो एक्चुअल में ही हैड अ बेटर अपॉर्चुनिटी, उसे जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अच्छे स्कूल में, इस वजह से रॉल्सन ने जो है वो छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू द लेसन हम लोगों ने ये देखना है चैप्टर में को उसे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई थी, इस वजह से उसने ब्रुकफील्ड स्कूल से छोड़ा और वो वहाँ पर चला गया। सो यही रीज़न हमने वहाँ पर डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द सक्सेसर ऑफ रॉल्सन एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज ही। कि रॉल्सन जब छोड़कर चला गया तो उसके बाद कौन सा वहाँ पर जो है वो कौन सा पर्सन आया जो वहाँ पर हेडमास्टर बना ब्रुकफील्ड स्कूल में। तो जो नेक्स्ट हेडमास्टर था वो था मिस्टर चैटरिस। मिस्टर चैटरिस जो है वो बाद में आए थे, वो रॉल्सन के बाद आने वाले वही थे और उनकी उम्र थी 34, यानी कि 34 साल के थे वो। वो बहुत ही पैथेटिक, सिंपैथेटिक और बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे, जो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मिस्टर चिप्स जो है वो उन्हें पसंद करना उन्होंने शुरू कर दिया था, वो दोनों के साथ अच्छी कोलेबोरेशन थी दोनों की। नेक्स्ट वाला चैप्टर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ईयर्स 1932 चिप्स इन का 1913 की जो इम्पोर्टेंस है वो चिप्स की ज़िंदगी में क्या है। वो एक्चुअल में चिप्स की ज़िंदगी में 1930 की ये जो इम्पोर्टेंस थी वो थी कि उसने उस साल जो है मिस्टर चिप्स को सांस की बीमारी की प्रॉब्लम हो गई थी। उस प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर चिप्स जो है वो उन्होंने वहाँ से ड्यूटी पर जाना ऑफ कर दिया था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी है। ये इम्पोर्टेंस है 1913 की जो है वो ये इम्पोर्टेंस है मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में। नेक्स्ट वन है हाउ मच टाइम डिड चिप्स स्पेंड इन ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड स्कूल में जो है वो मिस्टर चिप्स ने कितने साल गुजारे थे। अगर हमें उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब उनकी उम्र जो है वो 22 थी, अगर वो हमें अच्छी तरह याद है, और जब 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, अगर ये दो जो हैं वो हमें याद हैं, तो फिर इजीली जो है वो हमें पता चल जाता है कि 22 साल की उम्र में 1870 में जो है वो उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था, और 1930 ये जो ड्यूरेशन है अगर इसको हम लोग काउंट करें तो 43 बनते हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और रिटायरमेंट डेट जो है वो अगर हमें पता है तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने जो है वो साल उन्होंने वहां पर गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट करेक्ट स्केच ऑफ चैटरिस। चैटरिस एक्चुअल में वहां पर बहुत ही एक अच्छे किस्म का जो है वो हेडमास्टर आया था, जिस 1911 में जो है वो रॉल्सन ने छोड़ा था उसके बाद ज्वाइन किया था उसने, और वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरिंग ही उसे जो है वो उसकी वफात हो गई थी 1917 में। बहुत ही कोऑपरेटिव पर्सन था, मिस्टर चिप्स भी जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मिस्टर चिप्स डिसाइड टू रिटायर। अब मिस्टर चिप्स ने जो है वो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि क्वेश्चन था कि 1930 जो है वो मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट था। उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ एक ही वजह से थी, वो वजह क्या थी कि उसे जो है वो उस साल सांस की बीमारी हो गई थी। सांस की बीमारी की वजह से उसने जो है वो स्कूल नहीं जा रहा था, फिर उसने यही डिसाइड किया था कि नहीं, मैं जो है वो अब इस अपने स्कूल को छोड़ ही देना है, क्योंकि प्रोफेशन
में वो कंसिस्टेंसी नहीं थी उसकी, इस वजह से उसने क्या कर दिया, उसने जो है वो उस साल रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और उसे उस साल रिटायरमेंट मिल गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड इन 1880 इन ब्रुकफील्ड, 1880 में ब्रुकफील्ड स्कूल में क्या ऐसा हुआ था, क्या कौन सी चीज जो है वो अकर्ड हुई थी। एक्चुअल में उस वक्त जर्मन मीजल, जर्मन जो खसरा है, मीजल कहा जाता खसरे को, खसरा जो है वो फैल गया था, उसको जो है वो स्कूल का जो दो तहाई हिस्सा था, दो तीन तहाई हिस्सा जो है वो कन्वर्ट कर दिया था हॉस्पिटल में, क्योंकि खसरा बहुत सारे स्टूडेंट्स में फैल गया था, वो बीमारी जो है वो आम हो गई थी, इस वजह से उस वो स्कूल का जो एक यूनिट था उसको, तकरीबन जो हॉल था उसको वार्ड की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट थी 1880 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड चिप्स डिस्क्राइब जॉन रिवर इन हिज फेयरवेल स्पीच, मिस्टर, क्योंकि जॉन रिवर जो है वो अब वहां पर जो चेयरमैन था, गवर्नर्स का चेयरमैन था वो, और अब वो सर के नाम से जाना जा रहा था, ये मिस्टर चिप्स का एक्चुअल में एक स्टूडेंट था, और उसने क्या किया था कि मिस्टर चिप्स उसके बारे में बताते, कहते हैं इसे जो है वो डिफरेंस नहीं पता होता था जेरेन एंड जेरेडिम, क्योंकि लैटिन पढ़ाते थे तो ये लैटिन के मुताबिक है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं है, वो लैटिन और ग्रीक्स पढ़ाते थे तो उनके मुताबिक वो कहते हैं कि इसे जो है वो जेरेन और जेरेडिम का पता नहीं था, डिफरेंस नहीं मालूम था। ये वो जो है वो अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड चिप्स गो इन 1930, एक्चुअल में 1930 में उन्होंने रिटायरमेंट दी और अपनी सांस की बीमारी जो उन्हें हो गई थी उसके ट्रीटमेंट के लिए वो चले गए थे वेस्ट बर्डन जो है वो एक प्लेस थी जहां पर वो रहे, जर्मन उनका एक कोलीग था हर्स्टेफल, उसके साथ जो है वो वहां पर उन घर पर उनके यहां पर जो है वो वहां पर उन्होंने स्टे किया, और स्टे करने के बाद जर्मन में वो काफ़ी देर अपना जो है वो वहां पर स्टे किया, और स्टे करने के बाद ट्रीटमेंट के बाद वो वापस आ गए। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द एक्टिविटीज ऑफ चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट, ये अगर हम लोग देखें तो जो पहला हमारा चैप्टर है उस चैप्टर के मुताबिक जो है वो ये यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, उसको भी हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो क्या करते थे, चाय पीते थे, मैचेस देखते थे, जो ब्रुकफील्ड स्कूल के सामने ग्राउंड्स थी तो वो उस एरिया में ग्राउंड्स, क्योंकि हमें पता मैदानी इलाका है, पहले एक दो चैप्टर में हम लोगों को पता चल गया था, तो वहाँ पर जो है वो जाते थे, जाकर स्टूडेंट्स को देखते थे कि वो वहाँ पर खेल रहे होते थे, वो उनको ज्वाइन करते थे, फिर बाद में वो जो नए स्टूडेंट्स आते थे उनके साथ गपशप करते थे, या रात को उनकी और क्या थी मसरूफियत, ये थी कि वो डिटेक्टिव नावल पढ़ते पढ़ते सो जाते थे।